खबर है मथुरा की, जहां थाना गोविंद नगर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां मुकुंद विहार होटल के साथ स्थित आटा मिल के व्यापारी की अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियार से हत्या कर दी। उनका शव उनकी मिल के अंदर खून से लथपथ अवस्था में मिला। क्षेत्र में इस बड़ी घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने धारदार हथियार से व्यापारी दिनेश चंद्र गुप्ता के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या की है। परिजनों ने बताया कि शहर के होली गेट इलाके में रहने वाले दिनेश चंद्र गुप्ता सुबह करीब 10 बजे घर से निकले थे। जब वह 2 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। रोज की तरह दिनेश चंद्र गुप्ता गोविंद नगर इलाके में स्थित अपनी आटा मिल में गए थे, लेकिन परिजनों ने चौकीदार से फोन कर जानकारी लेने पर पता चला कि वह आटा मिल से निकल गए हैं। परिजनों ने कहा कि काफी तलाश के बाद जब उनका पता नहीं चला तो थाना गोविंद नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सर्विलेंस टीम की व्यापारी की फोन की लोकेशन आटा मिल में ट्रेस की। पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना की जांच में जुट चुकी है। घटना के संदेह के चलते फैक्ट्री के चौकीदार को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, क्योंकि चौकीदार ने परिजनों को बताया था कि वह तो मिल से निकल गए थे, लेकिन व्यापारी का शव मिल के अंदर ही मिला है। किन हालात में व्यापारी की हत्या की गई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और इसकी वजह क्या है, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। जो घटना घटी है यहाँ पर, ये दिनेश गुप्ता जी हैं और मेरे पड़ोसी हैं, इनका यहाँ अपनी ही फैक्ट्री में अपनी अज्ञात लोगों के द्वारा कत्ल कर दिया। लगभग कितना समय हो गया और कब पता चली थी? हमें तो अब 8:30, 9:30 बजे करीब, 10 बजे करीब मालूम पड़ी है। दरोगा जी ने वो कंप्यूटर से अपने से देख के बताया है, इसकी सर्विलांस के द्वारा मालूम हुआ है ये कि यहाँ पे हम ढूंढे अब इनको ढूंढ रहे हैं, तब इनको मालूम हुआ क्या फैक्ट्री में बाहर से ताला लगा हुआ था क्या? नहीं, चौकीदार रहते हैं, स्टाफ रहता है। चौकीदार ने कोई जानकारी नहीं दी? नहीं, चौकीदार ने तो मना कर दी थी। जब आए थे हम दरोगा जी के साथ ही आए थे, तो मोबाइल डालने गए, उनका मोबाइल खराब है तो मोबाइल सही कराने गए, तो हम उसके कहने पे बाहर निकल गए दोबारा। क्या माना जाए हत्या में किसका हाथ हो सकता है या फिर ये कैसे सामने जी अपन नहीं कह सकते किसका हाथ है? जी अंकल जी, क्या नाम है? क्या हुआ या किसके साथ घटना हुई? जब उनकी लोकेशन मिली उसके बाद पता लगा कि यहाँ पे हुआ है। ये कौन सी जगह है और यहाँ क्या उनका कारोबार था? यहाँ बारले का काम है हमारा, हम बारले बनाते हैं, मिल है हमारी बारले की, बस उसका उसमें अपनी पता नहीं कैसे आज संडे छुट्टी रहती है हमारे यहाँ, कोई लेबर भी नहीं आती है, हम भी नहीं आते हैं। वो आया था थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कुछ काम पे आया था यहाँ पर, आता वो वेट करके चला जाता है। तो वेट करने के लिए आया, कौन उसके साथ में आया, क्यों उसके अंदर घुस के गया है, किसने उसको मारा है, सभी कारणों को कुछ पता नहीं, कोई नहीं पता था जानकारी। ये दिनेश गुप्ता जी हैं, होली गेट के रहने वाले। इनकी जौ काटने की फैक्ट्री यहाँ थी, डी गेट चौकी थाना क्षेत्र गोविंद नगर में। ये करीब 10:30 बजे घर से निकले हैं फैक्ट्री के लिए। करीब 2:30 बजे तक इनको घर वापस जाना था, जब ये नहीं पहुँच पाए तो परिजनों ने इनकी लोकेशन लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो चौकीदार है इनसे बातचीत की, फिर पता चला ये निकल गए। फिर परिजनों ने थाने पर करीब 5:30-6 बजे के बीच में सूचना दी, इनके मोबाइल की लोकेशन लिया गया तो उनकी अपनी फैक्ट्री में ही ये मृत अवस्था में पाए गए। प्रथम दृष्टया जो चोटें हैं इन सबको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी हत्या की गई। सर, धारदार हथियार से हुई है, गोली से हत्या हुई है? ये अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, सारी चोटों के बारे में एक एक चीज डिटेल आ जाएगी, तब इस बारे में ज़्यादा सही ढंग से बताया जा सकता है। कुछ हत्या के प्रश्न रक्षा निकल कर आ रहा है, किस वजह से हत्या हुई है? नहीं, अभी कोई ऐसा कारण या कोई मोटिव अभी नहीं समझ में आया है। इसके बारे में हम सब लोग लगे हुए हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही इसके बारे में हम सब लोग पता कर लेंगे। सर, चौकीदार भी इस फैक्ट्री पर रहता था? हाँ, यहाँ पे जैसा घर वालों ने बताया है कि फैक्ट्री चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हुई है और इसके अंदर दो चौकीदार रहते थे। तो इन सभी लोगों से बातचीत की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, घर वालों से भी पूछताछ की जाएगी, क्या रहा, क्या परिस्थितियाँ थी, और मोबाइल है, मोबाइल के बारे में भी सारी चीज़ें डिटेल ली जाएंगी। सब कुछ जितने भी एंगल है सब पे हम लोग सब इस पे जांच करेंगे, विवेचना करेंगे और जल्दी ही पूरे एक एक चीज़ केस में हम लोग वर्कआउट करके जल्दी ही इसका अनावरण करके सारी कार्रवाई पूरी करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।